मेरे बेटे की फैंसी थाली, अचार, गुड़, आलू मटर और रायता। अरे तो गाइस नमस्ते। तो मम्मी कर रही है अभी साफ सफाई का काम। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मम्मी क्या कर रही है कल। अब आपको मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। अभी भी नहा के आई हूँ। कहाँ मैंने मैंने अभी बहुत गर्मी हो रही थी, आज तो ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही। अब मैं करूँगी थोड़ी देर स्टडी, क्योंकि कल मेरे कंप्यूटर का पेपर है। पढ़ाई का भी बहुत जोर रहता है भाई। मेरी बुक कहाँ गई थी? एक मेरी बुक ज़्यादा खोती है, बहुत ज़्यादा। मेरी बुक कहाँ है? यहाँ रखी थी, फ्रिज पे रख दी। कंप्यूटर भी चाहिए मुझे। अब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में आ जाऊंगी। सिक्स स्टैंडर्ड सूट सलवार पहनने पड़ेगी। मम्मी भी अभी काम कर रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ लेती हूँ। आज मैं कल पूरा दिन खेली थी और रात को पढ़ रही थी, मैं आज नहीं पढ़ रही। अब मैं आज नहीं खेल के जाऊँगी, आज शाम को जाऊँगी जब मेरा सारा बुक वर्क हो जाएगा। जब मम्मी का अपने बाल भी कंघी कर लिया अपने, छोटे से छोटे से हो रहे हैं, क्यूटी से लगते हैं छोटे। बोलो ऐसे पीछे जाए रहता है और आगे रह जाते हैं, ऐसे पीछे जाए सारे आगे आगे। वीडियो में आना चाहता है, ओए आ जा, मना नहीं करना तेरे को कोई। तभी बहुत अच्छा लगता है जब देसी बालक गम्मा के, हम देसी बालक गामा के, एकड़ी दो सैर बैठाना तेरे जैसी सुंदरा ने। हाँ गीतों में मम्मी मेरा प्रसाद कहाँ है? वो जो गीतों सार कहाँ से है, पन्नी में रखा था फ्रिज पे, कहाँ है वो? तो मैंने तो वो फ्रिज पे ही रखा था, मैंने वो यहाँ रखा था। वो किट्टो ना खा लिया और उसने यहाँ मिल गया। वे ले थोड़ी दवाई भर कर लाए। यो पथरी की जी कहलो ना, हां हॉस्पिटल वाला ने दिए पा। नो कह रहे निकल जाएगी इनका। ए ये ले, नो कह रहे निकल जाएगी इनका। अरे एक डिब्बी कहां गई यार? ये बब्बो भी तो एक और है। अंजन नो कह रहे पथरी निकल जाएगी। एक और ही बता तो, फिर की दवाई क्यों नहीं खाता तू? अरे बच्चा भी आने लग रही है, मरता जान लग रही। हां भीतर बांध के तक का मानते हो। अच्छा जरूर वो वही पर रखी है, वीडियो बना लेते थोड़ी सी जाने।
देखिए हमारी गाय भी आई है फ्रेंड्स, अभी भी आई है थोड़ी देर पहले ही। मोटे की खास का बड़ी था बच्चा नु चाटली चाटती दे तो बड़े खड़ा की नहीं रहा बच्चा खड़ा अपने आप ही बजा खड़े खड़ा अभी आना चाहिए जी। क्या क्या देखे था ये कौन था हाँ ये पांच सही है वहां दो में दिखे था कर काउ सुद्दा था कौन पान आया होता है पता नहीं पाई तो क्यों पानी खा का है पाई तो है पानी खायो पानी तो इसका ना ना बंदा चल पूछ होगी अभी से इसकी इतनी लंबी जरा सी पूछ होगी इसकी तो मम्मी ने खीस बना दिया है और अभी पूजने का निकाल लिया है जो भी पूजता है चूल्हे पे बनाया था तो आग बुझ गई है और नीचे मेरी जेठानी इसे बच्चिया को नहला रही थी नहला नहीं रही थी बस ऐसे ही गुनगुने पानी से साफ कर रही थी जिससे कि सिकाई सी भी हो जाए और इसको आराम भी मिलेगा राहत सी मिलेगी इसे। और यहाँ पर मम्मी खीस पूज रही है जो भी बनाया था देवताओं का ब्राह्मणों का जाएगा और बच्चों वे कन्या है नहीं अभी क्योंकि स्कूल जा रही होंगी उनको शाम को पिला देंगे और ये कन्याओं के नाम का भी पंडित जी के यहीं दे के आ जाएंगे। तो अभी मम्मी ने चाय दे दी थी द्वादशी में कह दे इक्यासी द्वादशी इक्यासी तो फ्रेंड्स कल की रात वो हो गया था, कल की रात इंस्टाग्राम भी बंद फेसबुक भी बंद और मैं भी डर गई थी कि मेरी इतनी सारी रील्स भी हैं और काफ़ी कुछ होता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जो हम रील डालते हैं और फोटो वगैरह यादें हो जाती है इकट्ठा इस तरह से और वो बंद हो गया और किसी भी तरह नहीं चल रहा, सभी डर गए थे। कौन कौन डर गया था वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सभी डर गए होंगे वैसे तो। और रात को भी ऐसे ही रही, बस बेचैनी सी कि पता नहीं अब चलेगा भी या नहीं, पासवर्ड भूल गए है या क्या बात हो गई जो चल नहीं रहा पासवर्ड से भी। तो वही है कि हैक कर लिया था किसी ने, कह रहे थे कि ये हैक कर लिया है और इस पर अपना पासवर्ड वगैरह कुछ भी जानकारी ना दे, पर तब तक हमें कुछ पता ही नहीं था, फिर पता चला बाद में। तो बस फिर सुबह चला के देखा तो चल गया बस, सब फिर खुश हो गए, नहीं तो सब का ऐसा हाल हो गया था कि पता नहीं अब चलेंगे भी या नहीं, ये बंदी हो गएगा क्योंकि ये भी अब जब हमारे जीवन श्रेणी में ही जुड़ चुके हैं ये सारे ऐप जो भी हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक, ये सारे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए सबके, सबने इन्हें पूरी अहमियत दे रखी है क्योंकि अब इनके बिना कुछ नहीं है, फ़ोन के बिना कुछ नहीं है किसी का भी, ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गए हैं, पर हमारे लिए तो इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आते जाते रहते हैं। अरे खाट पे मारू दे देगा, मगर पता तो चले नहीं, पता चला जब दवाई नहीं खाती, एक दिन की दवाई और तू 8 दिन लो खाओगी और सुमन को सुमन लगा डॉक्टर के जाती तो फूक मारने दर सही नहीं होता, तो सुमन लगवाने का सुमन लगा था दवाई से बता, तो मैं तो सुमन लगवाने का हुआ है मेरा कितना आज बहुत गलत हो गया, ऐसी घटना घट गई। आज बृहस्पतिवार का दिन था और मैं व्रत भी था मेरा, मंदिर गई थी मैं सुबह ही नहा धो के पूजा करके आई थी और आने के बाद कान्हा जी को स्नान करा रही थी, तब पता चला कि ऐसी घटना हो गई कि बिल्कुल हिल गया हमारा सारा परिवार। तो अभी मुझसे कुछ भी कहानी जा रहा था, किसी भी हालत में नहीं थी मैं, तो मेरे जो बुआ जी का लड़का है वो एक्सपायर हो गया। तो आज मैं 4-5 दिन के बाद ही वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मेरी पहली ही है, तो अब इस दुख की घड़ी में आप सबसे बात करके थोड़ा सा मन को सुकून मिलेगा। तो आपने जैसे कि पोस्ट देखी ही थी कि मेरा एक भाई और एक हादसे में हमसे अलग हो गया, बिछड़ गया, अब कभी भी नहीं मिलेगा। और एक भाई पहले बिछड़ गया था, मेरे मम्मा जी का बेटा, सड़क दुर्घटना में एक एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ रात को कि कुछ भी पता नहीं चला था किस टाइम एक्सीडेंट हुआ और कितनी देर तक वो रात को सड़क पर ही पड़े रहे थे, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, सुबह ही पता चला था सबको। तो एक भाई जब चला गया मम्मा जी का बेटा और एक भाई अब चला गया बुआ जी का लड़का, वो भी हादसे में, एक हादसे में हम सबसे अलग हो गया। तो दो भाई ऐसे ही चले गए, बुआ जी का बेटा अकेला ही था, एक ही बेटा था और ये भी एक बड़े हादसे में हम सबसे छिन गया। तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि उसकी आत्मा को शांति दे। और मैंने सोचा आप सबको भी पता होना चाहिए, आप भी परिवार है, टेंशन लेते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, तो सोचा आपको भी बता दूं। 2-3 दिन से इस हालत में नहीं थी कि वीडियो भी बना पाऊँ, पर फिर भी आप सबको भी ज़रूरी था बताना, कमेंट भी आ रहे थे कि क्या हो गया, कौन सा भाई था आपका। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अब देखते हैं कब वीडियो को मैं वो कर पाऊँगी और आगे क्या होता है। वो दुख की घड़ी है और सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई सुन के, तो भगवान के आगे कुछ नहीं हो सकता, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं कह सकते। तो बस